हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, या आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप डायनामिक स्लाइडिंग इफेक्ट कैसे लगाएं अपने फोन स्क्रीन में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे, आप लास्ट तक देखते रहिए। जैसे कि डायनामिक स्लाइडिंग इफेक्ट मतलब यह होता है कि जैसे हम दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए आप स्वैप अप कर रहे हैं ऐप्स को, तो किस तरह स्टाइलिश से स्वैप अप हो रहा है, इसी को कहते हैं हम डायनामिक स्लाइडिंग इफेक्ट्स। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा प्रोसेस हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन में ऑल में सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो को आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चार डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसा कि आप नीचे सबसे नीचे देखिए। उसके बाद ये कैमरा के ऊपर देखिए, आप कैमरा इनबॉक्स के ऊपर, आप मैसेज बॉक्स के ऊपर देखिए, चार वाला डॉट दिख रहा होगा वाइट कलर का, उसमें आपको क्लिक करना है, इस तरह करके प्रेस करना है स्क्रीन को फिंगर से टच करके। टच करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। तो इस तरह देखिए, आपको राइट साइड वाले ऊपर में थोड़ा देखिए डायनामिक स्लाइडिंग इफेक्ट दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देन दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन, फेंडिंग, इस तरह करके काफ़ी सारा डायनामिक स्लाइडिंग इफेक्ट्स है। आप पढ़ के आप अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा, जैसा कि हम दिखा देते हैं कैसा कैसा है। ये देखिए ऐसा होगा, ये ऐसा, इस तरह से आप अपने अनुसार। ये वाला हम लगा के रखे थे जो दिखाए हम स्टार्ट में, शुरू में। तो देख लिए दोस्तों, इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं, अपने स्टाइलिज में लगा सकते हैं। ये पेज जैसा पलट रहा है, ये देखिए, इस तरह से आप लगा के अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स हम बताएं इस वीडियो में, कि आप डायनामिक स्लाइडिंग इफेक्ट लगाकर बहुत ही अच्छा था ये इफेक्ट, इसलिए हम सोचें आप लोगों के कि इस वीडियो में बता दें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।